ओम शांति। बाबा ने हम सभी को विश्व कल्याण का महान कार्य दिया है और ये बहुत सुंदर प्रेरणा दी है कि तुम्हारा हर कर्म विश्व कल्याण करे, अर्थात दूसरों को श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा दे। तुम्हारा हर बोल विश्व कल्याण करे, अर्थात सबको भगवान से मिलाए, सबके दुख दूर करे, सबको सन्मार्ग दिखाए। तुम्हारे हर संकल्प के वाइब्रेशंस चारों ओर सुख शांति का माहौल बनाए। तुम्हारी प्योरिटी, तुम्हारी श्रेष्ठ स्थिति इस संसार को श्रेष्ठ स्थिति की ओर ले चले। कितना महान कार्य ये बाबा ने हमें दिया है, ये कितनी सुंदर अवेयरनेस है। और ये काम वही कर सकेंगे जिनमें नम्रता होगी, निरहंकारिता होगी और महानता होगी। उनके ही विचार बहुत महान होंगे। हम सदा ये याद रखेंगे, मैं तो विश्व कल्याणकारी हूँ, एक महान आत्मा हूँ, मेरा जन्म ही महान कार्यों के लिए हुआ है। रोज अपने को एक बार ये बहुत डीप फीलिंग दें, मेरा ये जन्म साधारण कार्यों के लिए नहीं, मेरा ये जन्म आम मनुष्यों की तरह व्यतीत करने के लिए नहीं, मेरा तो जन्म हुआ है दूसरों को सुख देने के लिए, दूसरों के कष्ट हरने के लिए, उनकी समस्याओं का निदान करने के लिए। तो हमारे अंदर नम्रता रहे तब हमारी छाप दूसरों पर बहुत गहरी पड़ेगी। हम बिल्कुल निर्माण निरहंकारी बनते चलें। ये निरहंकारिता हमें दिव्य बनाती है, पर इस निरहंकारिता के साथ हम स्वमानधारी भी बने। इससे क्या फायदा होगा कि हमारी निरहंकारिता लोगों को भोलापन नजर नहीं आएगी। हमारी निरहंकारिता एक अथॉरिटी, एक महानता प्रतीत होगी। तो हम ईश्वरीय नशे में भी रहें और सबको सत्कार भी दें। ऐसा ना हो कि हमें इतना नशा चढ़ जाए कि हम अपने को महान और दूसरे को हीन समझने लगे। हम भी महान और दूसरे भी भगवान के बच्चे महान हैं। ऐसी दृष्टि, ऐसी स्वयं में फीलिंग रखने से हमारी नेचुरली सत्कारी भावना सबके लिए हो ही जाती है। तो हम सम्मान देते चले। हमारा तो बहुत ज्यादा सम्मान हो इस संपूर्ण प्रकृति के लिए, अपने ईश्वरीय परिवार के लिए, अन्य धर्मों की आत्माओं के लिए भी, क्योंकि सबका कल्याण तो हमें ही करना है। तो हम अपने दृष्टिकोण को महान बनाएं, विचारों को बहुत ऊंचाई तक ले चलें, और ये स्वमान से होगा। पूर्वज हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, बाप समान हूँ, हमारे ये स्वमान हमारे विचारों को बहुत महान बना देते हैं। अपने बोल और व्यवहार को भी हम अपनी महानताओं के अनुरूप बनाएं। ऐसे नहीं, करना तो है हमें विश्व कल्याण, लेकिन हम अपने ही जीवन को परिवर्तित न कर पाए हों। विश्व कल्याण वही कर पाएंगे जिनमें ज्ञान का बल हो, योग का बल हो, प्योरिटी का बल हो, जो साक्षी दृष्टा हो गए हो, जिन्होंने अपने को बहुत शक्तिशाली बना दिया हो, जिनकी भावनाएं दूसरों के लिए निर्मल, निष्काम और शुभ भावनाओं से भरपूर हो गई हो। ऐसा सुंदर जीवन निर्माण करने वाले विश्व कल्याण का महान कार्य करने में सफल होंगे और आने वाला समय ऐसी आत्माओं के द्वारा ये महान कार्य संपन्न कराएगा। भगवान की उन पर नजर है तो आज सारा दिन हम ये अभ्यास करेंगे कि बाबा हमें ऊपर से दृष्टि दे रहे हैं,
हम पर नजर है उनकी और फिर हम चलेंगे सूक्ष्म लोक में, बाबा को देखेंगे और देखेंगे कि ब्रह्मा बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं और बाबा ने अपनी हजार भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी हैं। ओम शांति।